चंद घंटे में खत्म हो जाएगा। देश का इंतजार, सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान की शुरुआत। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीनेशन लेने वाले लोगों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पहले दिन देशभर में करीब 3 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बनाए गए हैं 3000 सेंटर्स। हर सेंटर पर मौजूद रहेंगे करीब 100 लोग। पहले दिन महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा टीका। यूपी में करीब 31,000 लोग लेंगे वैक्सीन। दिल्ली में बनाए गए हैं 81 सेंटर्स। पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को दी जानी वैक्सीन। टीकाकरण की शुरुआत से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों को कहा शुक्रिया, बोले कोरोना के अंत की शुरुआत। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3,006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे। वैक्सीन को लेकर जारी है सियासत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा फ्री में लगे टीका। मायावती की मांग पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले 2022 में यूपी में बनेगी हमारी सरकार और लोगों को फ्री में लगेगा टीका। वैक्सीन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा। चिट्ठी लिखकर कहा पहले मुख्यमंत्री लगवाएं वैक्सीन। दिल्ली के एम्स और एलएनजेपी अस्पताल में होगा मुख्य कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रहेंगे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 अस्पतालों में टीकाकरण अभियान में करेंगे शिरकत। दोपहर 12 बजे जाएंगे एलएनजेपी अस्पताल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहेंगे साथ में। मुंबई में टीकाकरण के लिए 9 केंद्रों पर बनाए गए हैं 40 बूथ। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा वैक्सीनेशन। लखनऊ में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा टीकाकरण अभियान। यहां पर लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। भोपाल में 12 अस्पतालों में आज होगा टीकाकरण अभियान। सिंगरौली में मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज रहेगा टीकाकरण प्रमुख केंद्र। सुबह 11 बजे यहां पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। पटना में एक सफाई कर्मी और एक एम्बुलेंस ड्राइवर को सबसे पहले लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। ग्वालियर में वैक्सीनेशन सेंटर पर बिछा रेड कार्पेट। सजाया गया पूरा सेंटर। 6 अस्पतालों में होगा टीकाकरण। कलेक्टर ने भ्रम ना फैलाने की अपील की। आगरमालवा में वैक्सीनेशन सेंटर को जमकर सजाया गया। टीकाकरण अभियान से जुड़ने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए लगाई गई है एलईडी। जालौर में भी सेंटर पर टीकाकरण की पूरी तैयारियां। जिले में हर दिन 4 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। ओडिशा के गजपति पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। करीब 4,500 डोज पहुंचाई गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में वैक्सीनेशन के दौरान बरती जाएगी खास सावधानी। सुरक्षा बल अलर्ट पर। रेत गिरते तेरे सुदर्शन पटनायक ने चित्र बनाकर किया टीकाकरण अभियान का स्वागत। ग्वालियर में किसानों का केंद्र और शिवराज सरकार पर हल्ला बोल। कहा किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती सरकार। अयोध्या में आज 600 लोगों का होगा टीकाकरण। सुबह 9 बजे शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 15,500 नए मामले। वायरस ने एक दिन में 191 लोगों की ली जान। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 295 नए मामले। 8 महीने में सबसे कम एक दिन में 10 लोगों की जान गई। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजनिवास के घेराव के लिए निकला था कांग्रेस का काफिला, बीच रास्ते में पुलिस ने रोका। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। कहा किसानों का सम्मान नहीं करती मोदी सरकार। केंद्र पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। बोले कोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक चला रहे हैं प्रधानमंत्री समेत 5 लोग। एयरपोर्ट कोर्ट सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है। राहुल गांधी पर मोदी सरकार का पलटवार। कृषि मंत्री बोले कांग्रेस ने किया था कृषि सुधारों का वायदा। मैनिफेस्टो पढ़ ले राहुल गांधी। किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग शहरों में निकला कांग्रेस का मार्च। चंडीगढ़ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने रांची में किसान अधिकार दिवस का किया आयोजन। झारखंड प्रभारी अरविंद सिंह ने की बिना विलंब कृषि कानून वापस ले जाने की मांग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर पर नजर आए सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ। किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। किसानों के समर्थन में आगे आई INLD। अंबाला में अभय चौटाला ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली कूच की तैयारी। कोलकाता में किसानों के समर्थन में लेफ्ट की मोर्चाबंदी। विक्टोरिया हाउस के बाहर धरने पर बैठे नेता।
एक बार फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक, अब 19 जनवरी को होगी अगली बात। बैठक के बाद किसानों के तेवर तल्ख, कहा बैठक करके सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही सरकार। बैठक में सरकार की दो टूक, वापस नहीं लिए जाएंगे कृषि कानून, लेकिन कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं किसान। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री ने जताई समाधान निकलने की उम्मीद, कहा अच्छे माहौल में हो रही है बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से की मुलाकात, एयरो इंडिया कार्यक्रम पर की चर्चा। दिल्ली समेत एनसीआर का आज फिर घने कोहरे से सामना, विजिबिलिटी बेहद कम, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी। 52वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार बढ़ रही आंदोलनकारियों की संख्या। सिंघू बॉर्डर पर भेजे गए आग बुझाने वाले सिलेंडर्स, आग लगने के खतरे से मिलेगी राहत। टीकरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन, शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारी किसान। रायपुर में राजभवन के पास कांग्रेस ने किया ट्रैक्टर मार्च, कृषि कानून का विरोध। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ किया राजभवन का घेराव। शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का काम, देश भर में 13 करोड़ परिवारों से जुड़ने का लक्ष्य। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही शुरू हुआ मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा जुटाने में जुटी वीएचपी, वाराणसी में कूपन और रसीदों के साथ घर घर जाकर चंदा जुटाने निकले वीएचपी कार्यकर्ता। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 2 लाख का दान। मुंबई में बोली साध्वी रितंबरा, राम मंदिर निर्माण कार्य से ज्यादा लोगों को जोड़ना है लक्ष्य। राम मंदिर के आंदोलन ने इस आसमान इस धरा ने देखी है और वो सारा संघर्ष सार्थक होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में सबने अपना योगदान देना। भोपाल में राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी के दान अभियान से जुड़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। गया में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान से जुड़े पूर्व मंत्री और सांसद, मंदिर की पहली शिला स्थापित करने वाले कमेश्वर चौपाल का दावा, करीब 40 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। शिवहर के आरजेडी विधायक और आनंद मोहन की बेटी चेतनानंद ने नीतीश पर कसा तंज, कहा बिहार में कुशासन सरकार का राज। बागेश्वर में शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पुलिस प्रशासन पर भड़के, एसपी मणिकांत मिश्रा का उत्तरकाशी हुआ तबादला। टीएमसी की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, बीरभूमि में सांसद शताब्दी रॉय ने सोशल मीडिया पर पार्टी को लेकर उठाए सवाल। शताब्दी रॉय को मनाने में जुटी टीएमसी, 2 घंटे तक कोई मैराथन बैठक, पार्टी के दिग्गज कुणाल घोष ने घर जाकर मुलाकात की। शताब्दी ने फेसबुक पोस्ट में किया था जिक्र, शनिवार को 2 बजे जनता को अपने फैसले के बारे में दूंगी जानकारी। फेसबुक पोस्ट में पार्टी से नाराजगी जताने के बाद शताब्दी रॉय ने आज तक को दिया बयान, बीजेपी से जुड़ने का सवाल ही नहीं। 23 जनवरी को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। शताब्दी रॉय के बाद अब टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी ने पार्टी से जताई नाराजगी, कहा पार्टी में होने वाले फैसलों की नहीं दी जाती कोई भी जानकारी। अपनी नाराजगी जताने के साथ ही टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी ने यह भी कहा, बीजेपी नेता सौमित्र खान से नहीं हुई कोई भी बात, नहीं ज्वाइन करने के बारे में कोई विचार। बागियों से परेशान सीएम ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी ने दिया विलय का न्योता, कहा तृणमूल भंग कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। बंगाल के सियासी हालात पर दिल्ली में हलचल तेज, अमित शाह के साथ सूबे के बीजेपी नेताओं ने की बैठक। हावड़ा में पांचला में फिर भड़की सियासी हिंसा, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। आज 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, येडियुरप्पा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज विधायकों से करेंगे मुलाकात। शिमोगा और बेंगलुरु में अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर की रखेंगे आधारशिला। बेंगलुरु में ERSS गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, बाद में पुलिस क्वार्टर्स का करेंगे उद्घाटन, कल बेलगावी में करेंगे रैली। नए विवाद में घिरी कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार, विधायक कुमारस्वामी को मनौती पूरा कराने के लिए सरकारी खजाने से 25 लाख रुपए देने का आरोप। मुदगिरे में विधायक एम कुमारस्वामी ने येडियुरप्पा की सत्ता में वापसी के लिए मांगी थी मन्नत, इसे पूरा करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दिए जाने का आरोप। फतेहपुर शेखावटी में हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर जिंदा जला, दूसरे ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल, हादसे के वक्त पीछे से आ रहे 2 और ट्रकों में टक्कर। वाराणसी में एक तालाब की सफाई के दौरान मिले कारतूस के 902 खोखे जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया।
कटनी में एक युवक की घिनौनी हरकत दोस्त के लिए बनी जिंदगी का खतरा। एयर प्रेशर से हवा भरने से फूला पेट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मोगा में गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। 12 जनवरी को दिल्ली में हुए हादसे का कसूरवार ड्राइवर गिरफ्तार। राजौरी गार्डन इलाके में हुए हादसे में स्कूटी सवार की गई थी जान। हादसे के वक्त एक गाड़ी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी पूरी घटना और इसी वीडियो के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। मोगा में बेकाबू ट्रक ने एक युवक को कुचला, मौके पर गई जान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वाशिम में वेल्डिंग के दौरान हादसा, ऑक्सीजन और एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, एक के बाद एक हुए कई धमाके, दो गाड़ियां जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में अवैध पटाखे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, साबुन बनाने की फैक्ट्री में बन रहे पटाखे, तीन गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर गैंगरेप और हत्या के केस में पुलिस अब तक कुल 6 आरोपियों को कर चुकी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गैंगरेप के बाद लड़की को जिंदा जलाने के केस की शुरू की जांच, जमीन से खोद कर निकाला गया पीड़िता का शव, कराया गया पोस्टमार्टम। नलदवानी में जेल में मनाया गया उत्तरायणी पर्व, रंगारंग कार्यक्रम से जुड़े कैदियों ने किया मनोरंजन। बरेली पुलिस ने सीता और सीएम योगी पर व्हाट्सएप पोस्ट में आपत्तिजनक टिप्पणी, ग्रुप एडमिन गिरफ्तार। इंदौर में सांसद शंकर लखवानी और एक सामाजिक संस्था ने अफगानी परिवार की हार्ट सर्जरी में की मदद, अचानक सर्जरी की जरूरत पड़ने पर पैसे और रहने के पूरे इंतजाम किए। अमरोहा में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट, मुख्य वजह। अयोध्या में कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान।